देखिए, आज पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर ए एन घोष हूँ, इस गुजरात अदानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का डीन। और आज करीब 11:30 बजे मुझे खबर मिला कि एक इंसिडेंट हुआ है गर्ल्स हॉस्टल में। तो मैं तुरंत उधर गया और वहाँ पे देखा कि एक लड़की मरी पड़ी थी कमरे में। तो तुरंत सिक्योरिटी आए और पुलिस बी डिवीज़न को इन्फॉर्म कर दिया गया इसमें, और वो तुरंत आके इन्वेस्टिगेशन टेक ओवर किए और पूरी तहकीकात अभी चल जारी है, वो कर रहे हैं। कॉलेज की तरफ से हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन कितने अभी बजे नहीं हुआ? कर सकते क्योंकि अभी ये पुलिस के अंडर में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। जी जी देखिए, जी हम कॉलेज के तरफ से जिम्मेदारी, हम पूरी तरह से बच्चों को सपोर्ट करते हैं, मैनेजमेंट बच्चों के लिए ही है। और हमारा उद्देश्य है कि हर बच्चा यहाँ पे जो पढ़ता है वो अच्छी तरह पढ़ाई करे, उसको कोई तकलीफ ना हो। फोन नहीं, स्विच ऑफ करके ये दिया, गलत खबर आप लोग को दिया गया, ये रूमर मोबाइल है। लेकर बच्चों के फोन स्विच ऑफ रहे ऐसा थे। कोई हादसा नहीं हुआ जिसमें बच्चे को बोला गया कि फोन स्विच ऑफ करे। ये जो आपको खबर मिली है, ये उनके दरअसल पेरेंट्स को भी सामान देरी से पर पता चला है, उनके पेरेंट्स को भी देरी से पता चला है। नहीं, पेरेंट्स को देखिए, ये 11:30 बजे मुझे खबर मिला तो, और पेरेंट्स को तुरंत जैसे मैं वहाँ पहुँचा तो हमारे यहाँ से 12:15 बजे उनको खबर कर दिया गया। अहमदाबाद में उनके पेरेंट्स हैं तो खबर कर दिया गया सर, सवा मतलब बारह कॉज बजे ऑफ डेथ क्या है? अभी देखिए, कॉज ऑफ डेथ हम कॉलेज के जो है वो बता नहीं सकते। कॉज ऑफ डेथ पुलिस तहकीकात कर रही है और पुलिस तहकीकात करने के बाद ही वो बता नहीं सकेगी सर, कि कॉज फिजिकली ऑफ। कॉज ऑफ डेथ क्या था? वो हैंग थी या फ्लोर देखिए, पे पड़ी थी, क्या था ऐसे हम बोल हमें जब हमको रहा पता चला कि ये डेड पड़ी है तो है। हमने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। उसके बाद पुलिस ने पूरी तहकीकात कर किया, उन्होंने फिर कमरे को लॉक कर दिया था। सर, रैगिंग के बारे में बात सामने आ रही है कि रैगिंग का मामला है, ये ये क्या क्या सच कोई है? भी ये जो बात हो रही है एकदम गलत है। यहाँ कॉलेज में कोई तरह की रैगिंग नहीं होती और पूरे सब कॉलेज हॉस्टल के सामने एंटी रैगिंग के पूरे बड़े बड़े बोर्ड हैं, हेल्पलाइन नंबर से। कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं है, ये रूमर सी है। स्टाफ का नाम आएगा तो कॉलेज का क्या एक्शन होगा? किसी भी स्टाफ का कोई नाम आएगा, प्रेशर प्रेशर या ऐसा कुछ, तो कॉलेज का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, स्टाफ का नाम किस बारे में आएगा आप? प्रेशर प्रेशराइज करने के लिए। देखिए, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि इस बारे में, इस मामले में कोई स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, अब ये अभी इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, उसके बाद ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो उनको करके वो सामने बताएगी कि क्या कारण है। और उनके पेरेंट्स भी आज शाम तक शायद पहुंच जाएंगे और फिर वो लोग इन्वेस्टिगेशन के साथ जुड़ जाएंगे। और हम कॉलेज की तरफ से पूरी तरह पुलिस को सहयोग कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में, जो भी ज़रूरत चाहिए इन्फॉर्मेशन हम देने को तैयार हैं। सर, ठीक कोई मेडिकल हिस्ट्री कुछ ध्यान में है, आया था ऐसा लड़की की? अभी हमें बाय द वे मिला है कि उनको कुछ ट्रीटमेंट मिल रहा था साइकेट्रिक का, बट इसका अभी हमें पूरा जानकारी नहीं है इसलिए मैं कह नहीं सकूंगा, वो पेरेंट्स आने के बाद ही पता चलेगा। सर, वैसे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में देखा गया है कि कभी कभार छोटा बड़ा किस्सा भी हो जाता है, तो स्टूडेंट सब इकट्ठा हो जाते हैं और जो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन है उसके खिलाफ देखिए, स्टैंड अभी लेते हैं, पर आज कोई ये दिखा नहीं, क्या ये थोड़ा? देखिए, ये मैं पहले यही बताना चाहता हूँ, ये पहली बार ऐसा कॉलेज के हॉस्टल में हुआ ऐसा हादसा जिससे हम सब बहुत दुख दुख है हमें कि ऐसा हादसा हुआ। और ये चीज़ हम पहली बार देख रहे हैं कि ऐसा हुआ है, तो इसमें हमारा तो रोल यही है कि पुलिस को हमको इन्फॉर्म करके उनको पूरा जिम्मेदारी और इन्वेस्टिगेशन के लिए सौंपना था। इसलिए इसमें हमारा ऐसा कुछ ये नहीं है कि हम हमारे प्रेशर के कारण या कुछ कारण है, इट इज़ कोई उस पर ऐसा कोई दबाव नहीं था।